बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? फुली के सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने घर की कुछ शॉपिंग करनी है। वो आगे जा के मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेने के लिए इस्लामाबाद आई हूँ। और ये रास्ते का आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा मौसम था और अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा हमने दिन सिलेक्ट किया, छुट्टी वाला दिन सिलेक्ट किया। सैटरडे को हम लोग तकरीबन 2 बजे घर से निकल गए और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं अपने घर का कुछ फर्नीचर लेने जा रही हूँ। यहाँ से फर्नीचर लेने मैं बहुत पहले आ चुकी हूँ बाजी के साथ और भाई के साथ, क्योंकि बाजी के घर का ऑल ओवर फर्नीचर लेना था, न्यू घर बना हुआ था और मुझे यहाँ का फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं दोबारा अपने घर का फर्नीचर भी लेने आई, क्योंकि मैंने चेंज करना था, कुछ फर्नीचर लेना था। चले मैं आपसे भी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि कौन सा मैं फर्नीचर लेकर आई हूँ और कैसा कैसा फर्नीचर है जो आजकल ट्रेंडिंग में है और खूबसूरत भी है। सोफे देखते जाए और मैं भी अपने घर का फर्नीचर देख रही हूँ साथ साथ। कुछ मुझे ट्रेंडिंग में लगे हैं जो सोफ़े न्यू अराइवल थे और कुछ थोड़े से ओल्ड फैशन में थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 7 सीटर सोफ़ा है और बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट पफ़ी के साथ है। और साइड टेबल जो है शीशे की है और साथ इसके 4 पफियाँ हैं जिन पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास है। ये जी मैं ऑफ वाइट आपको दिखा रही हूँ, वाइट कलर में है, ब्लैक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर वेलवेट लगी हुई है और ये मुझे अच्छा लगा वाइट कलर में। और साथ इसके जो सेकेंड कलर है वो ब्लैक कलर है। कौन सा मुझे लेना चाहिए, ब्लैक लेना चाहिए या वाइट कलर लेना चाहिए? ये देखें मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे। बेड है इसके साथ, ड्रेसिंग है, 2 साइड टेबलें हैं और 2 साथ इसके चेयर्स हैं, वो भी बहुत खूबसूरत ऑर्डर पे मैंने बनवा ली थी। और यहाँ ये चेक कर रही है, एक और बेड है और ये बहुत प्यारा है फर्नीचर है। हर चीज़ अवेलेबल है, कारपेट से लेकर आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अलग अलग सेक्शन हैं, कारपेट के अलग सेक्शन हैं और फर्नीचर के अलग हैं, और जो बाकी चीज़ें अलमारियाँ या जो कुछ डेकोरेशन के पीस हैं वो अलग से सेक्शन है। मैं सिर्फ इस सेक्शन में आई हूँ जहाँ बेड अवेलेबल है। यहाँ सारी वैरायटी बेड और सोफ़ों की है और ये बहुत ही खूबसूरत न्यू ट्रेंडिंग में बेड है। ब्लू कलर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें जो गोल्डन गोल्डन टच आ रहा है इसकी वजह से मैंने ये पसंद नहीं किया। काफ़ी बेड में ये जो गोल्डन पट्टियाँ सी हैं ये मुझे नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैंने सिंपल ही सिलेक्ट किया। वो मैं आपसे शेयर करूँगी लास्ट में जो मैंने लिया है। ये जी मैंने बेड लिया है वाइट कलर में और ये जाते ही मुझे बहुत पसंद आ गया था और बस मैं इसी पर टिक गई थी। मैंने पूरा शोरूम छांट लिया था, लेकिन मुझे बस यही मुझे लेना था और मुझे ये पसंद आ गया था, क्योंकि शोरूम बहुत बड़ा था और एक साइड कहाँ से शुरू होती थी और कहाँ से, लेकिन मैंने फ्रंट से ही ये मैंने बेड अपने लिए चूज़ कर लिया था और यही मैंने ख़रीदा है। जी चेक करें, मेरी हेज़ल का फूड भी आ गया, क्योंकि इसका फूड ख़त्म हुआ था और ये फूड माशाल्लाह जब नहीं होता तो इतना इसने तंग करना होता है, इसलिए मैं महीने में 2 पैकेट मंगवा लेती हूँ। मेरी हेज़ल का हर फूड हर 2 महीने के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको वो मज़ा नहीं आता। अभी मार्बल इसको मैं फूड दे रही हूँ, पहले मैं मियाँ का देती रही हूँ, कुछ अर्सा मैं इसको फ्लफ़ी का देती रही हूँ, बस चेंज होते हैं इसके फूड इसके फ्लेवर के मुताबिक। मेरे हेज़ल की क्या बात है इसकी चॉइस के, माशाल्लाह जी। ये चेक करें हेज़ल का काम, ये सबसे पहले आके देखा फर्नीचर को, पहले इसने स्मेल किया, इसको स्मेल बहुत अच्छी लगी न्यू फर्नीचर की, और फिर इसके ऊपर आके ये मज़े से चढ़ के लेट गया और मैं फिर बाकी का सामान लगाती रही। ये मैंने कुछ सामान सेट किया है, वही रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हेज़ल को बहुत मज़ा आया बेड पे लेटने का। पहले फर्नीचर का ऑर्डर दे के आ गई थी, 2 दिनों के बाद वो मुझे घर पे दे के गए हैं और मैंने लिया है एक बेड सेट लिया है, 2 इसके साथ साइड टेबल है, 1 ड्रेसिंग है और 2 बहुत प्यारे सोफ़े हैं, और जो मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं वो भी बहुत खूबसूरत पूरा पेयर है, यही वाइट कलर में, ऑल ओवर वाइट कलर में है और ये मुझे बहुत जाते ही अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने
ये सॉलिड लिया है और बहुत खूबसूरत है। अगर किसी को पसंद आया तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी कि कहाँ से मैंने लिया है। और ये बहुत ही खूबसूरत, आप लोगों को कैसा लगा मेरा फर्नीचर माशाल्लाह। और ये मैंने रूम में सेट कर दिया था और अभी मैंने इसके साथ पर्दे लाने हैं और जो मैचिंग इसके साथ होंगे सारा फुल कमरा मैं तैयार करके मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगती है। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी हेज़ल इंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े ले रहा है और बच्चे इसको तंग कर रहे हैं कि इसको बहुत मज़ा आ रहा था, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह मेरे हेज़ल भी बहुत खूबसूरत है, वाइट फर्नीचर के साथ बिल्कुल मैच कर गया है। आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे इसको इतना तंग करें लेकिन उसको सोना है, उसको सोने नहीं दे रहे और वो मस्तियां कर रहा, आगे से गुस्सा कर रहा है कि मुझे लेटने दो। काम बीच में पड़ा हुआ, फर्नीचर अभी सेट करना है, लेकिन हम लोग हेज़ल के साथ खेलने लग पड़े थे क्योंकि हेज़ल बहुत मचा हुआ था और इसको बहुत गु़स्सा आया हुआ था। इसलिए मैंने कहा चले मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि मेरा हेज़ल कितना ही मासूम है और बिल्कुल फर्नीचर के साथ मैच कर गया है। खूबसूरत फर्नीचर वाइट और वाइट हेज़ल मेरा। और अपने फर्नीचर के साथ मैं बताना भूल गई कि मैं एक और बेड लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए, वो भी बहुत खूबसूरत है, सिंगल बेड है और वो भी इसी मटेरियल में बना हुआ है, सॉलिड है और वाइट कलर में है। वो मैंने बच्चों के कमरे में रखा है और बाकी तो फर्नीचर पहले का ही है, लेकिन ये मैंने फर्नीचर चेंज किया है अपने रूम का और मेरे बेटे के रूम का और ये बहुत खूबसूरत है। फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी। और ये मेरी हेज़ल अभी फ़िलहाल इस पे बहुत इंजॉय कर रहा है और बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चे भी बहुत खुश है। माशाल्लाह जी चेक करें, बेडशीट भी बिल्कुल मैच हो गई। ये मेरे सोदिया से मेरे लिए गिफ्ट आया था, ये तकरीबन ब्लैंकेट था और बेडशीट थी, दो पिलो थे और यही मैंने सेलेक्ट किया इस फर्नीचर के साथ। वाइट कलर फर्नीचर है और हाफ वाइट मैंने बेड कवर डाल दिया। यहाँ पर जी था खार के सब बैठ गए थे पास ही हेज़ल के और इसकी मस्तियाँ चेक कर रहे थे और इसके साथ खेल रहे थे हम लोग। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का खेलता है, जब इसको नींद आती है तो इसको गुस्सा आता है कि मुझे सोना है, लेकिन बच्चे इसको तब ही इसके साथ खेल। ये जी मैंने ड्रेसिंग इसके साथ लिया है क्योंकि दो किस्म के ड्रेसिंग थे ये, लेकिन मुझे इसके साथ ये अच्छा लगा। आज का व्लॉग कैसा लगा और फर्नीचर मेरा कैसा लगा? और नेक्स्ट व्लॉग आने तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।